दाब, गुरुत्व और रासायनिक कारक जो एबायोटिक फैक्टर में आते हैं, किस तरीके से जीवों को प्रभावित करते हैं या पेड़ पौधों को, प्राणियों को, इसमें हम देखें। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब या द्रव स्थैतिक दाब। दाब वायुदाब परिवर्तनों के प्रभाव, ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले कमियां पौधों, अकशेरुकियों तथा निम्न श्रेणी के कशेरुकियों के लिए कम महत्वपूर्ण होती है। बीटल्स तथा केंचुओं ऊंचाइयों पर मिलते हैं। पौधों तथा असमतापी प्राणी जो अपने बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं रख पाते, वो वातावरण का तापमान जैसे बदलता है वैसे उनके शरीर का तापमान भी बदलता जाता है, उनको असमतापी कहते हैं। पर्वतों पर वितरण कम दाब से नहीं बल्कि अन्य प्रतिकूल कारकों द्वारा सीमित होता है। सेकंड, जल दाब का प्रभाव। जल में गहराई के साथ दाब में वृद्धि होती रहती है, इसलिए हम अगर कहें गहराई डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जैसे जैसे डीपनेस बढ़ेगी समुद्र में दबाव है वो बढ़ेगा। समुद्री गहराई में अत्यधिक दाब प्राणियों को उनके शरीर के अंदर के दाब के समान बनाने के लिए कई एडेप्टेशन रखने पड़ते हैं। जलीय वातावरण में दाब परिवर्तन का प्रभाव एयर कैविटीज युक्त एवं एयर कैविटीज रहित प्राणियों में अलग अलग होते हैं। इनमें स्विम ब्लेडर, प्रेशर चैम्बर आदि कई ऑर्गन्स हैं पाए जाते हैं जो इनको अनुकूलता प्रदान करते हैं। मछलियों के अंदर जो एयर ब्लेडर पाया जाता है वो उनको ब्यूएंसी या उत्प्लावकता प्रदान करता है। जब मछली नीचे की ओर गति करती हैं तो जो एयर ब्लेडर हैं वो कंप्रेस्ड होता है, जब यह ऊपर की ओर तैरती हैं तो यह फैलता है। डुबकी लगाने वाले पक्षियों, स्तनधारियों तथा स्थलवासियों के लिए जल में बढ़े हुए दाब की समस्या के साथ श्वसन की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। आगे हम बात करें जो इसके दाब के साथ यहाँ पर दे रखा है टेबल के अंदर, कितने दाब के ऊपर क्या होता है। 8840 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर 235 mmHg है वो वायु का दाब रहता है, तो वहाँ पर किस तरीके के जीव पाए जाते हैं ये सब इस टेबल के अंदर आपको दिखाया गया है किस तरीके का वितरण रहता है। अब हम बात करें एक और एबायोटिक फैक्टर, ग्रेविटी या गुरुत्व। गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन यह परिवर्तन उन प्राणी हैं उनको प्रभावित करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जो भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक यात्रा करते हैं या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं। इनके क्या प्रभाव रहते हैं प्राणियों पर, तो इनकी संरचना पर प्रभाव रहते हैं। वायु की अपेक्षा जल में प्राणी को अपने जो वेट हैं उसको कंट्रोल करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए जलीय प्राणी अपने स्थलीय जो रिलेटिव्स हैं, हम कहें एवोल्यूशन के अंदर जो नज़दीक हैं, की अपेक्षा अधिक बड़े हो सकते हैं। जलीय प्राणियों पर जो ग्रेविटी का खिंचाव है वो निरंतर बढ़ता रहता है और वे फ्लोटेशन डिवाइसेस को विकसित न करें या गुरुत्व के खिंचाव को तैर कर काउंटर बैलेंस न करें तो वे डूब जाएंगे। इसलिए जो वाटर के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं
उनके अंदर लैटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, स्विम ब्लेडर होते हैं जो उनको एडेप्टिव या अनुकूलता प्रदान करते हैं। आगे हम बात करें इसके विन्यास की, तो प्राणियों का विन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो जियो नेगेटिव हो सकता है, जियो पॉजिटिव हो सकता है। यदि प्राणी पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से दूर हो तो उसको जियो नेगेटिव कहते हैं, और यदि वह केंद्र की तरफ वितरित और इकट्ठा हो तो उसको जियो पॉजिटिव कहते हैं, तथा यदि वह गुरुत्व के खिंचाव की दिशा के समकोण पर स्थित हो तो वह ट्रांसवर्स कहलाता है। वातावरण पर गुरुत्व के प्रभाव, प्राणियों पर गुरुत्व का प्रभाव जियो नेगेटिव पड़े। आगे हम देखें रासायनिक कारक भी जैविक क्रियाओं को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। वायुमंडल और वायुमंडलीय गैसें, ऑक्सीजन जो 20% रहते हैं एनवायरमेंट में, नाइट्रोजन 79%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य निष्क्रिय गैसें जो होती हैं वो रहती हैं। ऑक्सीजन हम जानते हैं मुख्य रूप से जो एनिमल्स हैं उनकी रेस्पिरेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसकी सहायता से जो उत्पादक हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्वपोषी अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसे पादप वगैरह, तो ये भोजन तैयार करते हैं, साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन अन्य रासायनिक क्रियाओं के अंदर उपयोगी, साथ ही जो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता है उसको भी कंट्रोल करती है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो धरती है उस पर सभी वस्तुएं अम्लीय या एसिडिक या क्षारीय या अल्केलाइन गुणों वाली होती हैं, या फिर वे उदासीन या न्यूट्रल होती हैं। अम्लीयता या क्षारीयता का गुण ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, इसे पीएच से दर्शाते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच 7 को न्यूट्रल पीएच या उदासीन पीएच माना जाता है, उदासीन बिंदु माना जाता है, तथा इससे नीचे जो भी पीएच होगी 6, 5, 4, 3, 2, 1 दीज आर एसिडिक पीएच, और जो 7 से ऊपर हैं दैट इज बेसिक या एल्केलाइन होती हैं। यह जंतुओं के वितरण के अंदर बहुत ही एक लिमिटेटिंग फैक्टर होते हैं। जो मच्छर के लार्वा हैं वो पीएच 5 हल्का अम्लीय या एसिडिक या इससे नीचे वाले पीएच जो होता है उसमें अधिकतर मिलते हैं, लेकिन मोलस्का के स्नेल, सीप आदि जंतु 7 या 8 पीएच या इससे अधिक पीएच अर्थात सारी जल और मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। प्रोटोजोआ में कुछ जंतु हल्के सारे वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन युगलिना पीएच 2 हाईली एसिडिक से पीएच 8 तक के सभी स्वच्छ जल में वितरित रहता है। टैपवॉर्म या फीताकर्मी पीएच 4 से पीएच 11 तक की रेंज में रहता है। माध्यम के पोषक तत्वों की बात करें, जो भी एक आवश्यक कारक हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम है, क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम है, रहते हैं। ये वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनकी अधिक मात्रा भी आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं की हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए तथा मोलस्का में उनकी जो सेल है उसकी कवरिंग के लिए अधिक मात्रा में कैल्शियम यूजफुल है। साथ ही
हरी पत्तियों वाले पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम अधिक होना अत्यावश्यक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, कुछ पोषक तत्व जंतुओं और पौधों के लिए अत्यधिक आवश्यक है, परंतु इनका उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है। यह हार्मोन, विटामिन आदि के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे मैग्नीज, आयरन या लोहा, क्लोरीन, जिंक, वेनेडियम आदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, कोबाल्ट तथा सिलिका आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।